हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छवि गर्ग। आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज अधिगम या फिर लर्निंग किसे कहते हैं। ये चाइल्ड साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके यूपी टेट, सी टेट या कोई भी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका राजस्थान का टेट है या फिर आपके ये बीएड के सिलेबस में भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अधिगम किसे कहते हैं, लर्निंग किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि लर्निंग क्या चीज़ है तो आप सभी लोग कहेंगे, अरे हमें पता है लर्निंग किसे कहते हैं, हम स्कूलों में जाके बहुत चीज़ें सीखते हैं, हमने कॉलेज में जाके बहुत चीज़ें सीखती हैं, हम डिफरेंट तरह के कोर्स करते हैं जहाँ पर कि हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप इस लर्निंग को डिफाइन कर दीजिए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि लर्निंग को हम कैसे बताएं। हम सीखते हैं बस, लेकिन हम इसे बताएं कैसे। तो ये जो अधिगम वर्ड है ये एक बहुत बड़ा वर्ड है और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। जो लर्निंग होता है ये आपकी एक मानसिक क्रिया होती है। दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक फिजिकल शारीरिक या दूसरी होती है मेंटल या फिर आपकी मानसिक। तो जो आपका ब्रेन होता है वो जैसे आपके शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है आप बिल्कुल वैसे ही काम करते हो। तो इसीलिए लर्निंग जो है वो एक मानसिक क्रिया है। और जो लर्निंग है इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो लर्निंग का मतलब होता है कि सीखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन क्यों होता है? ये परिवर्तन या तो हमारे को किसी ट्रेनिंग से होता है या फिर हमारे एक्सपीरियंस की वजह से होता है। और इसका एक उद्देश्य भी होता है, वो उद्देश्य होता है कि ये हमें समायोजन करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब है कि अधिगम में आपकी तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि इससे व्यवहार में परिवर्तन होता है, दूसरा ये परिवर्तन सिर्फ अभ्यास या एक्सपीरियंस की वजह से होता है, थर्ड है कि इसका उद्देश्य हमारे को एडजस्टमेंट करने में हेल्प करता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, लर्निंग का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन जो कि ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की वजह से होता है। तो जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो और कारणों से भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपको बार बार नींद आने लगती है। तो जब भी आप वो मेडिसिन लेते हैं आपको नींद आने लगती है, या आप थक जाते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो दवाई खाने की वजह से या फिर थकान की वजह से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसको आप अधिगम या लर्निंग नहीं बोलोगे। लर्निंग हम तभी कहते हैं जब ये व्यवहार में परिवर्तन हमारा अभ्यास से या फिर हमारा एक्सपीरियंस की वजह से होता है। अब ये जो लर्निंग है दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम अपने एक्सपीरियंस से खुद कर लें या फिर कोई हमें सिखाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो बच्ची है वो जो है कुकिंग का काम कर रही है। तो अगर उसकी मम्मी ने उसे कुकिंग सिखाई कि किस तरीके से जो है आप कुकिंग करोगे, तो यहाँ पे किसी के सिखाने से, किसी के प्रशिक्षण देने से जो है आप कुकिंग को सीख रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा कि किसी ने आपको सिखाया है। या आप देखते हैं कि बच्चे जब नर्सरी में जाते हैं तो टीचर उन्हें ए लिखना सिखाते हैं, तो वो कहते हैं पहले एक स्लांटिंग लाइन सीखो, फिर दूसरी स्लांटिंग लाइन सीखो, फिर बीच में आप जो है एक और लाइन खींचो। तो इस तरह से टीचर की सिखाने से बच्चा सीख रहा है। तो ये है कि हम लर्निंग कैसे कर रहे हैं, जब कोई हमें सिखा रहा है। दूसरा क्या होता है कि जब हम अपने एक्सपीरियंस से खुद सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर किसी की उंगली कट जाती है या किसी को चोट लग जाती है जिससे खून निकलने लगता है, तो आपकी मम्मी क्या करती है, फटाफट उसमें हल्दी लगा देती है या फिर बीटाडीन की दवाई रखी है तो वो लगा देती है,
जिससे कि खून बहना रुक जाता है। तो अब आपने एक बार अपनी मम्मी को ऐसे करते हुए देख लिया, अगर दोबारे आपके घर में किसी की उंगली कटती है या कोई चोट लगने से खून निकल रहा है और आपकी मम्मी वहाँ पे नहीं है, तो आप भी फटाफट क्या करोगे, हल्दी लगा दोगे या बीटाडीन की ट्यूब से उसमें ऑइंटमेंट लगा दोगे। तो आपने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि जब भी किसी का खून निकले तो आप हल्दी लगा दो या दवाई लगा दो, उससे खून बहना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये आपने किस चीज़ से सीखा, ये आपने एक्सपीरियंस से सीखा। और आप क्या देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा जो है शेव कर रहे हैं और कोई बच्ची जो है बार बार उसे छूने की कोशिश कर रहे हैं और पापा मना कर रहे हैं कि बेटा रेजर को नहीं छूते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती उसे छू लेती है जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है। अब हाथ कटने से उसको बहुत दर्द होता है और खून भी निकलता है। तो अब उसने अपने एक्सपीरियंस से समझ लिया कि मुझे रेजर नहीं छूना है क्योंकि इसे छूने से हाथ कट जाता है, उससे बहुत दर्द भी होता है और बहुत खून भी निकलता है। तो हमने देखा कि अभ्यास से या फिर एक्सपीरियंस से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी व्यवहार में परिवर्तन को आप क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। अब आपको लर्निंग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। तो अब आपसे पेडागॉजी का कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप आराम से उसका आंसर कर सकते हो। अब हम बताएंगे सेकंड उसमें आपका, अब मैं आपको बताऊंगी कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, सबसे पहली विशेषता है कि सीखना परिवर्तन है। देखिए, सीखने से क्या होता है, हमेशा आपके विचारों में, आपकी इच्छाओं में, आपकी भावनाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम खेलते हैं और आप जो है गेम को गलत तरीके से खेलते हैं तो उसकी वजह से आपकी टीम हार जाती है तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो अब आगे से आप अपनी उस गलती को ध्यान में रखते हैं क्योंकि आपको अपनी टीम को जिताना है। तो इस तरीके से जो है आपके जो विचार हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है कि अब की बार हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपका, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको मैंने जब मीनिंग बताया था तब भी बोला था कि सीखने का मतलब है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होना। तो ये जो व्यवहार में परिवर्तन होता है ये दोनों तरीके से हो सकता है, ये अच्छा परिवर्तन भी हो सकता है और आपका बुरा परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये नहीं कि आप अच्छे परिवर्तन को ही सिर्फ अधिगम कहेंगे, अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो, दोनों ही अधिगम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो अब आप आराम से साइकिल चलाना सीख जाते हैं, उससे क्या होता है कि आप जो है अपने घर से अपने स्कूल आराम से जा सकते हैं और जब आप साइकिल चला के जाते हैं तो आपके मम्मी पापा भी आपकी तारीफ करते हैं, तो आपको साइकिल बहुत अच्छे से चलानी आ जाती है, तो ये अच्छा परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन अगर आप चोरी करना सीख जाते हो, आप सोचते हो कि अगर कोई मुझे नहीं देख रहा है और मैं किसी के पैसे चुरा लेता हूँ तो जैसे कोई नहीं देखता है आप हमेशा उसके पैसे चुरा लेते हो, तो ये बुरा परिवर्तन है। लेकिन ये दोनों ही आपके अधिगम कहलाएंगे, चोरी करना सीखना भी परिवर्तन है और आपको साइकिल चलाना आना भी आपके व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट है कि ये परिवर्तन आपको प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से होता है। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया था कि व्यवहार में जो परिवर्तन है वो अगर प्रैक्टिस से होता है या आपको एक्सपीरियंस से होता है तभी हम उसे अधिगम मानते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर सीख रहे हो, अब जब कंप्यूटर को चलाना सीखते हो आप कीबोर्ड यूज़ करते हो तो शुरू शुरू में बहुत गलतियाँ करते हो, आपके हाथ सेट नहीं होते, आप धीरे धीरे बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपको कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आ जाता है। तो ये कहलाता है कि आपने प्रैक्टिस या अभ्यास से जो है आपने अधिगम किया है। या कोई बच्चा है, अगर वो जो है मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती पे अपनी उंगली रख देता है तो उसका हाथ एकदम से जल जाता है, उसको बहुत दर्द होता है,
तो वो अपने एक्सपीरियंस से सीख जाता है कि मुझे जलती हुई मोमबत्ती पे कभी भी अपना हाथ नहीं रखना है, क्योंकि हाथ रखने से मेरा हाथ जल जाएगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द होगा। तो इट मीन्स प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे आप अधिगम या लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट है कि आपके जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है। देखिए, यहाँ पे स्थायी का मतलब ये नहीं है कि वो पूरे आपके जीवन तक चलेगा। स्थायी का मतलब है कि आपका 1 महीने भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, और कुछ सालों तक भी हो सकता है, और जीवन पर्यंत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कार चलानी सीख ली, अब आपको कार चलानी आ गई, तो ये आपका अधिगम है। लेकिन अगर आप कार चलाते रहोगे तो आप सालों साल भी से नहीं भूलोगे, ये स्थायी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर आपने 1 साल कार चला के फिर 10 साल तक आप कार नहीं चलाते हो तो फिर आप कार चलाना भूल भी सकते हो। तो यहाँ पे ये 1 साल तक जो परिवर्तन था वो भी आपका स्थायी परिवर्तन पे ही आएगा, उसे भी आप अधिगम ही बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका सीखना जीवन पर्यंत होता है। देखिए, सीखने की या लर्निंग की कोई भी आयु नहीं होती है। ये नहीं सिर्फ बच्चे ही सीखेंगे या थोड़े एडल्ट सीखेंगे, आप ओल्ड एज में भी कुछ भी चीज़ सीख सकते हो। आजकल आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में जो है आपके जो मम्मी पापा हैं या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, उनको यूट्यूब चलाना नहीं आता है, उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, लेकिन आप उन्हें सिखा देते हो कि यूट्यूब कैसे खोलना है, आपको कंप्यूटर पे वर्क कैसे करना है। तो आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर इस एज में भी सीख रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि सीखना जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम जब चाहें तब भी कोई चीज़ सीख सकते हैं, और अपने से छोटों से भी आप चीज़ें सीखते हो। नेक्स्ट है आपका सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है। देखिए, सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। अगर सीखने का कोई उद्देश्य नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ नहीं सीखते हैं। सीखने का आपका मेन उद्देश्य होता है कि आपको चीज़ों से एडजस्टमेंट करना आता है। जैसे ओल्ड एज में अगर आपके ग्रैंडफादर आपसे यूट्यूब चलाना सीख रहे हैं तो इसका मतलब वो बहुत सारी नॉलेज लेना चाह रहे हैं या अपना कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हैं। तो सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। लास्ट है आपका लर्निंग इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है ये सार्वभौमिक होती है। सीखना ये नहीं है कि एक कंट्री के लोग ही सीख सकते हैं, एक समाज के लोग ही सीख सकते हैं, छोटे लोग ही सीख सकते हैं, बल्कि ये आपका यूनिवर्सल है। कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी एज का व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। तो इसलिए सीखना जो है हमेशा सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। तो अब आपको लर्निंग या अधिगम का मीनिंग बहुत अच्छे से आ गया होगा और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, मीन्स अधिगम किस किस चीज़ों को हम बोल सकते हैं, तो वो विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी हैं। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके टैट में, यूपी टैट में या और शिक्षक भर्तियों के एग्ज़ाम में आती हैं, वो सारे टॉपिक आपको जो है वीडियो लेक्चर के थ्रू दूंगी। तो इसीलिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक भी करिए, ताकि आपको जो है जैसे भी कोई नई वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। Thanks for watching. Thank you very much.